before going there, before we start, before we discuss heap stability and instability, let us see what is latent heap. Let us see what is latent heap. ठीक क्या होता है लेटेंट हीट अंकित व्हाट इज लेटेंट हीट रिलीज एट द टाइम ऑफ कंडक्शन राइट फेज चेंज के टाइम सी वी विल वेरी सिंपल लैंग्वेज वी ट्राई टू अंडरस्टैंड इट एंड वेरी क्विकली सो दैट आई कैन रीच टू द मेन टॉपिक जब तुम लोग वाटर को वेपर में यानी गैस में चेंज कर रहे हो या लिक्विड फेज को गैसियस फेज में चेंज कर रहे हो यू नीड एक्चुअली हीट यू नीड हीट और जब तुम लोग आइस को वाटर में कन्वर्ट कर रहे हो यू नीड हीट एक्चुअली टू डू इट So that heat, the heat you require to change the phase, उस heat को latent heat कहते हैं. Very simple language में. Very simple language. होता क्या है? When I convert the 1 gram of ice to water, it is not necessary. I will get 1 gram of water. Whatever water I am getting, but I should be 1 gram. What I need is 79 calorie of energy. 79 calorie of energy is actually required to convert 1 gram of ice to the water. If I convert 1 gram of water to vapor in a gas, I need 607 calories of energy in the form of heat. You give this energy in the form of heat. Is it clear? Sir, ये heat जो हम देते हैं ये जाता कहाँ है? Actually, this heat is being stored as potential energy. ये हीट एज ए पोटेंशियल एनर्जी प्रिजर्व कंजर्व हो रही है वाटर में या फिर गैस में. सो वाटर में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा, गैस में कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? दैट इज द रीजन व्हाई गैस हैज मोर पोटेंशियल एनर्जी देन द लिक्विड. क्योंकि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए हमें ज्यादा हीट चाहिए. दैट हीट इज एक्चुअली लेटेंट हीट. दैट इज लेटेंट हीट. इसको हम पोटेंशियल एनर्जी क्यों कहते हैं? बिकॉज द प्रोसेस, व्हेन द प्रोसेस इज रिवर्स्ड, द हीट इज बीन गिवन बैक. अगर मैं वेपर को वाटर में चेंज करूंगा will give me 607 calories of energy. अगर मैं water को ice में convert करूंगा it will give me 79 calories of energy. That is why it is called potential energy. Means the energy is being preserved. और जो ये release होती है, जब ये release होती है, when this energy is being released, we call it latent heat of कंडेंसेशन. इसको लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन आई डिस्कस स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. सो समझ आ गया लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन कहां से आती है? कि जब गैस वाटर बन जाता है उसको क्या कहते हैं उस प्रोसेस को? कंडेंसेशन. जब कंडेंसेशन होगा सम एनर्जी इज बीन रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट. दैट एनर्जी इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन.
दैट इज सेम एज दैट द लेटेंट हीट. लेटेंट हीट सेम है क्योंकि ये वही एनर्जी है, बट एट द टाइम ऑफ कंडेंसेशन हमें मिल रहा है, दैट इज वाई वी कॉल इट लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन. ये क्लियर हो गया, इट इज क्लियर. तो लेट अस सी व्हाट इज वाइस के लिए लेटेंट हीट ऑफ फ्रिज है, बट दैट इज ऑल्सो कंडेंसेशन, यू कैन कॉल दैट ऑल्सो कंडेंसेशन. लेट अस सी व्हाट इज ह्यूमिडिटी. सो ह्यूमिडिटी, वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटीज. Absolute humidity, specific humidity, and relative humidity. Okay. So humidity is actually the moisture content in air or in a particular air parcel, moisture content. So before discussing what is absolute humidity, what is specific humidity and what is relative humidity, let us see what is humidity capacity. What is humidity capacity? Capacity. So humidity capacity is actually the, you know, retaining potential. कि एक पर्टिकुलर एयर पार्सल में कितना वाटर रह सकता है. सिंपल टर्म में बता रहा हूं, एक पर्टिकुलर एयर पार्सल कितना वेपर होल्ड कर सकता है मैक्सिमम, दैट इज द कैपेसिटी. एक्चुअली ह्यूमिडिटी इज व्हाट, ह्यूमिडिटी का मतलब है कि वेपर, लिक्विड वाटर, एक पर्टिकुलर एयर पार्सल में कितना वाटर रह सकता है, मैक्सिमम कितना रह सकता है, दैट इज द कैपेसिटी. इस क्लासरूम में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, दैट इज द कैपेसिटी. हां, इसमें कैपेसिटी से कम भी हो सकता है, कभी कभी सैचुरेट भी होगा. ऑफन आई सी माई क्लास बच्चों को चेयर नहीं मिलता है बैठने को, मीन्स सैचुरेशन है. जो कैपेसिटी है, कैपेसिटी से ज्यादा बच्चे आ रहे हैं, दैट इज ओवर सैचुरेटेड. It becomes oversaturated that time, or it can be undersaturated. जब capacity से कम बच्चे होंगे क्लास में, it is undersaturated. Same is the case here. Same is the case here कि एक particular air parcel में कितना water रह सकता है, कितना water retain कर सकता है, that is its capacity. कैपेसिटी. ये क्लियर हो गया, व्हाट इज कैपेसिटी. सो नाउ लेट अस कम टू द एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. व्हाट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी? सो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली द वेट ऑफ द, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इज एक्चुअली द टोटल वेट ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट. यू कैन राइट इट, द टोटल वेट ऑफ द मॉइस्चर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर. सो वन पॉइंट यू नीड टू रिमेंबर हियर इज दैट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी चेंजेस विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर. सॉरी, डज नॉट चेंज विथ इंक्रीज और डिक्रीज इन द टेम्परेचर. Absolute humidity does not change with increase or decrease in the temperature. So then how does it change? It changes with actually compression or expansion of air. Very, very important point. Very, very important point. Absolute humidity I am discussing right now does not depend upon the change in the temperature, right? Then it, how then it depends upon the expansion and contraction of the air. Kaise? Because definition mein maine likhwaya per unit volume of air.
एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन से क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, दैट इज व्हाई ह्यूमिडिटी चेंज होता है। क्लियर? और एक पॉइंट तुम लिख लो कि एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, इट डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स एंड इट ऑल्सो डिक्रीजेस फ्रॉम ओशन टू द लैंड। Let us see what is specific humidity. Specific humidity is actually the mass of vapor, but when you count it in grams in air taken as kg, kitna gram vapor is there in how many kgs of air? That is the specific humidity. Specific humidity decreases from equator to the poles. Specific humidity decreases from equator to the poles. Equator पे usually 18 gram per kg है और poles पे 0.2 gram per kg है। So it decreases from equator to the poles. So now, what is relative humidity? This is most important. Relative humidity is actually the ratio. It is the ratio between absolute humidity and humidity capacity. It is the ratio between absolute humidity and humidity capacity. And humidity capacity. And it is been usually expressed in terms of percentage. So relative humidity, अगर मैं आर एच लिखूंगा, it is equal to absolute humidity divided by humidity capacity into 100. We often express it in terms of percentage. So now tell me if temperature decreases, देखो सोच लेना, एग्जाम में ये सब चीजें आते हैं, यार think over it. मान लो टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, व्हाट विल हैपन टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? टेम्परेचर डिक्रीज हो गया या टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, व्हाट विल हैपन टू द रिलेटिव ह्यूमिडिटी? उल्टा बोलो, रिवर्स। रिवर्स मतलब क्या है? डिक्रीज तो डिक्रीज बोलो ना, रिवर्स क्या क्या मतलब है? सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल एक्चुअली डिक्रीज and here relative humidity will increase and relative humidity will decrease. Let us see how, why if I decrease temperature, why relative humidity will increase? If I decrease temperature, why relative humidity is going to increase? Reason batao. सुनो क्यों? सी हियर, सी ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, डज नॉट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर, मैंने लिखवाया। ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ, मैंने बोला कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी का रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ जाता है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। इफ देयर इज इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एससी ये भी इंक्रीज होता है। मीन्स ए पर्टिकुलर एयर पार्सल कैन होल्ड मोर वेपर व्हेन इट इज वार्म, द सेम पार्सल विल होल्ड लेस वेपर व्हेन इट इज कोल्ड, राइट? अगर टेम्परेचर कम हो गया, कैपेसिटी भी कम होती है, दे हैव द रिलेशन विद ईच अदर। सो यहां पर क्या हो रहा है,
जब मैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करता हूं कि टेम्परेचर कम हो गया, इसका मतलब है कि ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी कम हो गया। अगर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम होगा, डिवाइड करना आता है ना, जो नीचे वाला अल्फाबेट जो होता है नंबर, वो अगर कम होगा टोटल रेशो बढ़ जाता है। 6/3 is 2, 6/2 is 3, राइट। अगर नीचे डिक्रीज हो गया, 3 से 2 हो गया, ये बढ़ जाता है ना, वेरी सिंपल मैथमेटिक्स। सो सेम इज द केस हियर, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर कम करने से रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्यों बढ़ जाती है? द रीजन इज दैट टेम्परेचर कम करने से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो गया, ओवरऑल रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। ये पूछते हैं एग्जाम में। एंड सेम इज द केस हियर, टेम्परेचर बढ़ाओगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम, क्यों? यहां तो नहीं लग रहा है कि टेम्परेचर के साथ कोई रिलेशन है। यहां ये इक्वेशन, ये फॉर्मूला देखने से वी आर अनेबल टू प्रेडिक्ट कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रिलेटिव ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर। बट रिलेटिव ह्यूमिडिटी हैज रिलेशन विद दिस ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, ह्यूमिडिटी कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अगर ये बढ़ गया, मीन्स ओवरऑल रिलेटिव ह्यूमिडिटी विल कम डाउन, इट विल डिक्रीज। समझ आ रहा है? सो देन सैचुरेशन, व्हाट इज सैचुरेशन? नाउ वी नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो पता चल गया हमें। नाउ वी नो व्हाट इज ह्यूमिडिटी। अगर ये ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर हो गया, अगर ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर हो गया, वी कॉल द सैचुरेशन, इसको सैचुरेशन कहते हैं। द एयर पार्सल इज सपोज टू बी सैचुरेटेड। सो याद रखना है आपको कि जब भी मैं ये बात करूं कि एयर पार्सल इज सैचुरेटेड, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ह्यूमिडिटी इज इक्वल टू ह्यूमिडिटी कैपेसिटी। यानी जितना पोटेंशियल इस क्लास में था, उतने बच्चे आ गए बराबर। जितना इस क्लास को नंबर ऑफ स्टूडेंट होल्ड करने का कैपेसिटी था, वो बराबर हो गया। अगर और कोई लड़का आ गया, उसको खड़ा रहना पड़ेगा, इट विल क्रिएट डिस्टर्बेंस इन द क्लास। क्लियर? सिमिलर इज द केस हियर, सैचुरेशन का मतलब है ह्यूमिडिटी जो है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी के बराबर हो गया। ठीक। एंड लेट अस सी एक्चुअली क्या होता है। आई हैव कंडेंसेशन की मैं बात करूंगा पहले। व्हाई? बिकॉज आई वांट टू लेट यू पीपल नो व्हाट इज ड्यू पॉइंट। What is dew point? वो पढ़ाना है मुझे, ठीक है ना, थोड़ा टर्मिनोलॉजी पढ़ा के। आई वॉन्ट टू शिफ्ट टू स्टेबिलिटी एंड इंस्टेबिलिटी। सो वॉट इज ड्यू पॉइंट एक्चुअली? सो नाउ यू हैव एन एयर पार्सल, लेट द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बी, एक भी पेन ढंग से नहीं लिख रहा है, लेट द ह्यूमिडिटी कैपेसिटी बी, विल एज्यूम 10 molecules of water इज द कैपेसिटी, लेट मी एज्यूम इसका कैपेसिटी है 10 molecules of water। ये अपने पास 10 molecule रख सकता है, इज इट? बट दिस एयर पार्सल इज हैविंग ओनली 5। व्हाट डज दिस मीन? मीन्स इट इज नॉट सैचुरेटेड, इट इज नॉट सैचुरेटेड। कैपेसिटी कितना है? 10। ह्यूमिडिटी कितना है? 5। ह्यूमिडिटी इज 5, कैपेसिटी इज 10, मीन्स इट इज अंडर सैचुरेटेड। नाउ इन ऑर्डर टू मेक इट सैचुरेटेड, आई हैव 2 things इन माई हैंड, आई कैन डू। इधर आई विल एड द वॉटर, समझ लेना कॉन्सेप्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इधर आई विल एड टू वॉटर, यहां 5 molecule है, आई विल गिव 5 more, इट विल बिकम सैचुरेटेड।
आई एम ओके, आई एम डन, सैचुरेशन हो गया. दिस इज द वन वे, वन रीजन, दिस इज द वन टेक्निक व्हाट आई विल डू हियर. इफ आई डोंट हैव वाटर अवेलेबल, व्हाट विल हैपन, व्हाट कैन आई डू, आई विल डिक्रीज इट्स कैपेसिटी, आई विल डिक्रीज इट्स कैपेसिटी. इस क्लासरूम को फुल करने के लिए मुझे तो स्टूडेंट लाने हैं. आई विल एड, चार पांच चेयर खाली, आई विल ब्रिंग द स्टूडेंट, वो बैठेंगे, क्लास सैचुरेट हो गया. इफ आई डोंट हैव स्टूडेंट्स अवेलेबल, आई विल डिक्रीज द कैपेसिटी, मैं चार पांच चेयर बाहर लेके जाऊंगा. राइट, मैं कैपेसिटी डिक्रीज किया, सो अगेन द क्लास इज फुल. सो हाउ नाउ आई डोंट हैव वाटर अवेलेबल, हाउ आई विल डिक्रीज द कैपेसिटी हियर, आई विल डिक्रीज द टेम्परेचर. क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि कैपेसिटी हैज रिलेशन विद टेम्परेचर, सो आई विल कूल दिस डाउन. हाउ आई विल कूल दिस डाउन, आई विल लिफ्ट इट, हायर वी गो कूलर इट इज, वो एक चीज है, हायर वी गो कूलर इट इज वन थिंग. सेकंड थिंग इज, वो मैं अभी पढ़ा हूं, उनका एडियाबेटिक लैप्स रेट, जब ये यहां पर पहुंचेगा इसका कैपेसिटी कम हो जाएगा, यहां जब ये लिफ्ट हो जाएगा टेम्परेचर डिक्रीज होगा, यहां पर पहुंचने के बाद कैपेसिटी 9 हो जाएगी, यहां पहुंचेगा कैपेसिटी विल बी 8, यहां पहुंचेगा कैपेसिटी विल बी 7, एंड देयर विल बी अ टाइम जब इसकी कैपेसिटी 5 आएगी. वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, 5, कैपेसिटी कितनी है, मींस दिस इज सैचुरेटेड. सेम पर्सन विच वॉज अंडर सैचुरेटेड हियर बिकेम सैचुरेटेड हियर, बिकॉज इसका कैपेसिटी यहां पर 10 था, हियर ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज 5, नाउ इट इज सैचुरेटेड. So there will be some particular temperature. मैं capacity decrease किया by, मैं capacity decrease किया हूं by decreasing the temperature. Adiabatic, adiabatic decrease. We'll discuss that. So इस temperature पे जहां पर मुझे humidity capacity के बराबर हो गया, इस temperature को dew point कहते हैं. Right? ये फॉर एग्जाम्पल यहां पर भी कैपेसिटी कम हो गया, यहां पर भी कैपेसिटी कम हो गया, यहां पर भी कैपेसिटी कम हो गया, बट एक टेम्परेचर आया जब कैपेसिटी इतना कम हो गया कि वो ह्यूमिडिटी के बराबर हो गया, मुझे सैचुरेशन मिल गया, आई गॉट सैचुरेशन नाउ, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट. सो यू कैन राइट द टेम्परेचर एट विच एयर बिकम्स सैचुरेटेड, the temperature at which air becomes saturated is called dew point. So if this air is now oversaturated, agar if this water is now oversaturated, the moment it starts becoming oversaturated, condensation will take place. Condensation will take place when it becomes oversaturated. यहां पर कैपेसिटी और कम हो जाएगी या फिर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, द कंडेंसेशन विल स्टार्ट एट दैट मोमेंट. तो कंडेंसेशन हो गया सर, कंडेंसेशन तो हो गया, बट द कंडेंसेशन इज ऑलवेज नॉट यू नो सेम, कभी बारिश गिरता है, कभी गुल्ले पड़ते हैं, कभी बर्फ गिरती है, दैट इज प्रेसिपिटेशन राइट. सो कंडेंसेशन हो गया, कंडेंसेशन का रिजल्ट है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन इज द रिजल्ट ऑफ द कंडेंसेशन. प्रेसिपिटेशन हो गया, किस टाइप का प्रेसिपिटेशन होगा, क्या सॉलिड प्रेसिपिटेशन होगा कि लिक्विड प्रेसिपिटेशन होगा, बर्फ गिरेगी कि बारिश गिरेगा, क्यों, व्हाई, हैव यू एवर थॉट अबाउट दिस, कभी सोचा है बारिश क्यों गिरता है, तो या यहां बारिश क्यों गिरता है, इफ यू गो टू कश्मीर एंड हायर हिमालयाज एंड अदर कोल्डर रीजन्स, वहां बर्फ गिरती है, कभी सोचा है, कभी सोचा है, तुमने सोचा है, तुमने सोचा है कभी, क्या सोचा है, उसमें माइनस ड्यू पॉइंट ग्रीन टेंपरेचर से कम हुआ तो, नहीं सोचा है कभी, नहीं सो द थिंग इज, ये ड्यू पॉइंट जो यहां पर आ गया था मुझे, दिस ड्यू पॉइंट, ये ड्यू पॉइंट फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे आएगा या फ्रीजिंग टेम्परेचर के ऊपर आएगा, दिस विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन यू विल गेट. ये ड्यू पॉइंट 32 फारेनहाइट के ऊपर आएगा, यू विल गेट प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड.
अगर ये ड्यू पॉइंट 32 फारेनहाइट से नीचे आ गया यू विल गेट प्रेसिपिटेशन एज सॉलिड। ड्यू पॉइंट कभी भी कहीं भी आ सकता है ना, किसी भी टेम्परेचर पे भी सैचुरेट होगा, ये यहां पर भी सैचुरेट हो सकता है, यहां भी सैचुरेट हो सकता है, यहां भी सैचुरेट हो सकता है, इट विल सैचुरेट एट डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स। इफ दिस सैचुरेशन और ओवर सैचुरेशन टेक्स प्लेस अबव फ्रीजिंग विल गेट ए लिक्विड प्रेसिपिटेशन, इफ इट इज बिलो फ्रीजिंग विल गेट ए सॉलिड प्रेसिपिटेशन। Now let us see what is इसमें जरा इन डाउन टू से इसमें इन डाल दो। सो व्हाट इज लैप्स रेट, लैप्स रेट का क्या मतलब है? लैप्स रेट का यहां पर मतलब है कम हो जाना, टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो जाना। एंड वी हैव नॉर्मल लैप्स रेट, एंड वी हैव एडियाबेटिक लैप्स रेट। We are having normal lapse rate and environmental lapse rate. Sorry, normal lapse rate and adiabatic lapse rate. Normal lapse rate को कभी कभी environmental lapse rate भी कहते हैं. Environmental lapse rate. So this is lapse rate number one, this is lapse rate number two. ये lapse rate number two जो है ना, further two types है. One is dry adiabatic lapse rate, lapse rate, another is moist, your wet adiabatic lapse rate. Right. So at the end I have three lapse rates. One is normal, yeah, environmental, another is dry. Adiabatic, third one is moist adiabatic. Okay. Let us see what they are actually. Let us see what they are. So, first one is normal lapse rate, environmental lapse rate. आपने सुना होगा बचपन से higher we go cooler it is. Right. Actually the heating source is earth. You are moving away from the earth. And you are getting, you know, cooler environment, cooler air. Okay. जितना तुम सरफेस से ऊपर चले जाओगे, the temperature is decreasing. Temperature is decreasing to some extent, to some limit. Okay, we won't go there. Let us limit ourselves to the troposphere. Troposphere में जितना तुम ऊपर जाओगे, temperature fall हो रहा है. कितना fall हो रहा है? 6.5 degree. सेल्सियस पर किलोमीटर, दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट। रेट का मतलब पर किलोमीटर, तब रेट लगाते हैं जब पर किलोमीटर लगाते हैं। सो आफ्टर एवरी किलोमीटर 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, राइट? वेरी सिंपल, अगर यहां पर 30 डिग्री टेम्परेचर है, आफ्टर 1 किलोमीटर इट विल बी 23.5। दिस इज द नॉर्मल लैप्स रेट, दिस एवरेज, वेरी भी हो सकता है, दैट विल सी। नाउ व्हाट इज एडियाबेटिक लैप्स रेट, दैट इज इंपॉर्टेंट। एडियाबेटिक लैप्स रेट क्या है वो समझना बहुत जरूरी है, ठीक। रीजन ऑफ नॉर्मल लैप्स रेट समझ आ गया, बिकॉज वी आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स, दैट इज ट्रेडिशनल रेडिएशन। एडियाबेटिक लैप्स रेट
भी लैप्स रेट ही है, मतलब टेम्परेचर डिक्रीज होता होगा, टेम्परेचर विल डिक्रीज, बट दिस डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज नॉट बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स. द थिंग इज दैट एज वी मूव अबो, एज वी टेक अ एयर पार्सल अबो द सर्फेस ऑफ द अर्थ, इसका टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, बट दिस डिक्रीज इज नॉट बिकॉज ऑफ यू आर, बिकॉज यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स. दिस डिक्रीज इन द टेम्परेचर इज दैट बिकॉज द एयर इज गेटिंग एक्सपैंड, एयर एक्सपैंड हो रहा है. इफ यू आर लिफ्टिंग ए एयर पार्सल इट विल एक्सपैंड, इट इज टेम्परेचर विल डिक्रीज. इफ यू आर यू नो सबसाइडिंग एन एयर पार्सल, तुम एक एयर पार्सल को नीचे लेके आ रहे हो, इट विल कंप्रेस, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. सो एक्सपेंशन से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, अगर एक्सपेंशन हो गया टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा, अगर कंप्रेस हो गया, कंप्रेशन हो गया, टेम्परेचर विल इंक्रीज. सो दिस चेंज इन द टेम्परेचर इज कॉल्ड एडियाबेटिक चेंज, इज कॉल्ड एडियाबेटिक चेंज. सो नेचुरल सिस्टम में एक्सपेंशन और कंप्रेशन कब होता है? When air parcel is lifted, expansion. When air parcel subsides, contraction, compression. That is in the natural system, right? So that is the reason why we say कि if अगर हम एक air parcel को लेके जा रहे हैं ऊपर, इसका temperature decrease होता है. The relation is actually expansion. Relation expansion के साथ है. तुम बस याद रखो एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, ठीक, कंप्रेशन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है. क्यों होता है, क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन चेंजेस. एक्चुअली मॉलिक्यूल कंप्रेशन का मतलब है मॉलिक्यूल्स आर कमिंग टूगेदर, द स्पेस इज बीइंग रिड्यूस्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. एक्सपेंशन मीन्स देयर इज एनफ स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स. So adiabatic lapse rate is the result of that change in the temperature, जो compression और expansion की वजह से है. But here we are not discussing compression and expansion. We will discuss rise and subsidence. But you have to keep in the mind, rise का मतलब है expansion, subsidence का मतलब है compression. Clear? So क्या है ये ड्राई और मॉइस्ट का क्या मतलब है? ड्राई का मतलब है जो मॉइस्ट नहीं होगा. ड्राई का मतलब है जब तुम कंडेंसेशन लेवल के नीचे हो, कि सेचुरेशन नहीं हुआ है अभी, सेचुरेशन से नीचे हो, वहां पर अगर एडियाबेटिक लैप्स रेट हो गया, दैट इज ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट. मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट मीन्स जहां कंडेंसेशन हो. कंडेंसेशन कब होगा? जब तुम सेचुरेशन पे पहुंचोगे. एंड दिस ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट इज एक्चुअली टेन डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट इज 6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड इट कैन वेरी एंड ड्राई वेरी नहीं हो रहा है. ठीक हो गया. नाउ वी हैव थ्री लैप स्टेट्स, नॉर्मल लैप स्टेट, ड्राई एडियाबेटिक, मॉइस्ट एडियाबेटिक, स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी. व्हाट इज एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी एंड इनस्टेबिलिटी? स्टेबिलिटी का मतलब है, सुनो, स्टेबिलिटी मीन्स एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी मीन्स नो वर्टिकल मूवमेंट. वेरी सिंपल, सिंपल टर्मिनोलॉजी में, इफ देयर इज नो वर्टिकल मूवमेंट इट इज स्टेबल, इफ देयर इज वर्टिकल मूवमेंट इट इज अनस्टेबल. क्लियर? सब वर्टिकल मूवमेंट क्या हो गया? देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्टिकल मूवमेंट्स, वन इज अबव द ग्राउंड, अनदर इज बिलो द ग्राउंड. इन बोथ केसेस एयर पार्सल इज अनस्टेबल. इन बोथ केसेस द एयर पार्सल इज द एटमोस्फेयर इज अनस्टेबल, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन दिस मूवमेंट एंड दिस मूवमेंट.
ऊपर जाने और नीचे आना, देयर इज द डिफरेंस. इन बोथ केसेस एयर पार्सल इज अनस्टेबल, बट ऊपर जाने का मतलब है इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अनस्टेबिलिटी, नीचे आने का मतलब है इट इज हेडिंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. बोथ केसेस इट इज अनस्टेबल, बट जब एयर पार्सल नीचे आएगा मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स स्टेबिलिटी. अब स्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में आ रहा है. इफ रिवर्स इज देयर, इफ इट इज मूविंग अप एंड अबव द ग्राउंड मीन्स इट इज हेडिंग टुवर्ड्स द अनस्टेबिलिटी. ये एयर पार्सल स्टेबल होगा कि अनस्टेबल होगा, द रिलेशन बिटवीन द थ्री जो अभी डिस्कस हमने किया, कौन सी थ्री, नॉर्मल, ड्राई एंड वेट, वो उनके बीच में क्या रिलेशन है, दैट विल गिव मी वेदर द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल और अनस्टेबल. क्लियर है पॉइंट, उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, दैट विल डिसाइड वेदर योर एटमॉस्फेयर इज स्टेबल और अनस्टेबल. Let us see different relations between them. The first thing is stable equilibrium. वो दे दो इंक इसमें डाला. First one is stable equilibrium. Let us see what is happening when there is the state of stable equilibrium. Right? क्या होगा कि मान लो temperature एक air parcel का 40 है, इसका surrounding भी 40 है. यह air parcel, temperature 40 है, air parcel का surrounding का. Let me lift it to, to a height of 1 kilometer. I'm discussing stable equilibrium. Let me discuss it. Let me take it to the height of 1 kilometer. Let me take it to the height of 1 kilometer. क्या हो रहा है 1 kilometer पे? देखो क्या होगा. It will depend upon के snow. Now environmental lapse rate क्या होगा? तो इसका क्या होगा टेम्परेचर 33.5. बट लेट ड्राई एडियाबेटिक, मैं नॉर्मल को ले रहा हूं, नॉर्मल लैप्स रेट को मैं ले रहा हूं, कितना 6.5. ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट को मैं ले रहा हूं 10. सो ये जो जाकर इधर जो है 30 बन जाएगा. इसका मतलब है कि सराउंडिंग इज वार्म बट योर एयर पार्सल इज कोल्ड, उसका 30 है. सो दिस एयर पार्सल विल नॉट राइज नाउ, ये एयर पार्सल राइज ही नहीं होगा. ये मैं 1 किलोमीटर के बाद दिखा रहा हूं आपको, बट एक्चुअली द सिचुएशन विल स्टार्ट हियर. जो ही ये ऊपर जाएगा इसका टेम्परेचर डिक्रीज ज्यादा हो जाएगा. सो दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर हियर इज मोर, इट इज बिकमिंग डेंसर. टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब ये डेंस हो गया, इट वोंट राइज. दिस टाइप ऑफ, दिस इज नॉट स्टेबिलिटी, इट वोंट राइज. नो, ये राइज होगा ही नहीं, नीचे आ जाएगा, रुक जाएगा. दिस इज कॉल्ड स्टेबिलिटी, बट इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम. दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज कॉल्ड stable equilibrium. When your normal lapse rate is less than, ये exam में ऐसे ही पूछा जाता है, normal lapse rate is less than dry adiabatic lapse rate. This is the first relation. Second relation हो गया कि normal lapse rate तो ठीक है, मैं मान रहा हूं कि normal lapse rate जो है that is less than dry lapse rate, dry adiabatic lapse rate. But कभी कभी ये normal lapse rate वेट से भी कम हो सकता है. नॉर्मल लैप्स रेट इज लेस देन द वेट और मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट. यानी सिचुएशन कुछ ऐसा होगा कि अगेन दिस इज 40, दिस इज 40,
एक किलोमीटर के बाद ये 10 था, ये 30 बन जाएगा, पर अभी आपका नॉर्मल बहुत कम है, लेट इट बी 4.5, वेट से भी कम है, 6 से भी कम होना है, तो ये बहुत वेरिएशन आएगा ना टेम्परेचर में. फॉर एज्यूम इट इज 4, सो दिस विल बी 35.5, बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया. सो इन सच अ सिचुएशन इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी. एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी मीन्स नॉर्मल या एनवायरमेंटल लैप्स रेट इज लेस देन ड्राई एज वेल एज लेस देन वेट अनमॉइस्ट, तब इसको एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी कहते हैं. सो वर्टिकल मूवमेंट विल बी फर्दर रिड्यूस, इसको और कम किया जाएगा, यहां पर तो थोड़ा होना है बट यहां पर और कम होगा वर्टिकल मूवमेंट, दिस इज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी. सो दीज आर द टू सिचुएशंस ऑफ स्टेबिलिटी, वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनदर इज एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी, ऐसे ही पूछा जाएगा एग्जाम में. नाउ लेट अस सी इनस्टेबिलिटी, लेट अस सी द इनस्टेबिलिटी. So let us assume कि normal lapse rate is greater than adiabatic lapse rate. Normal lapse rate ज्यादा है, same situation. देखो 40, surrounding का भी 40. Normal lapse rate ज्यादा है, adiabatic lapse rate, let this be 10, let this be 11. तभी तो normal ज्यादा होगा. तो एक किलोमीटर के बाद क्या होगा, ये 40 से जाकर 30 बनेगा, ये 40 माइनस 11 ये 29 बनेगा. नाउ द एयर पार्सल इज वार्मर मीन्स इट विल राइज, ये राइज हो जाएगा, इट विल गो ऑन राइजिंग अगेन आफ्टर 1 किलोमीटर. अगर तुम फिर से 1 किलोमीटर के बाद देखोगे, दिस विल बी 20 एंड द सराउंडिंग विल बी 18, माइनस माइनस करना भी नहीं आता है. सो और डिफरेंस आ गया, एयर पार्सल इज बिकमिंग वार्मर एंड वार्मर एज कंपेयर टू द सराउंडिंग, इट विल गो ऑन राइजिंग, दिस इज कॉल्ड इनस्टेबल इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब यही, ये अनस्टेबिलिटी का मतलब यही है ना कि इट शुड राइज, इट इज कॉल्ड इनस्टेबल, unstable equilibrium, unstable equilibrium लिख लेना, unstable equilibrium. सर जो 6.5 लेते हैं वो क्या होता है? That is normal lapse rate, but वो vary हो जाता है, हमने average लिया है 6.5, vary हो सकता है, 11 भी हो सकता है. So सिर्फ ये dry adiabatic lapse rate constant है. Now नॉर्मल लैप्स रेट तो ज्यादा है एडियाबेटिक, ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट से, बट अगर ये वेट या मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट से भी ज्यादा है, अगर दोनों सिचुएशन में ज्यादा है, तो नाउ यू सी द सिचुएशन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. यहां पर मैंने पार्सल को राइज किया, बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद क्या होता है ना कि सैचुरेशन हो जाएगा, सैचुरेशन हो जाएगा मीन्स ड्राई एडियाबेटिक लैप्स रेट नहीं होगा, अब मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट होगा. क्या वो मॉइस्ट एडियाबेटिक एनवायरमेंट से ज्यादा होगा कि कम होगा? इन केस अगर वो कम है, मॉइस्ट एडियाबेटिक लैप्स रेट अगर एनवायरमेंट लैप्स रेट से कम होगा, मीन्स इट विल फर्दर गो और आगे जाएगा, और आगे जाएगा, और ऊपर जाएगा, और अनस्टेबल हो जाएगा. दैट इज इट, दैट इज व्हाट वी कॉल एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी, दैट इज एब्सोल्यूट इनस्टेबिलिटी. एंड वन मोर वी विल डिस्कस इज कंडीशनल, दैट इज द कंडीशनल.
डिस्कसिंग द कंडीशनल इंस्टेबिलिटी। कंडीशनल में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका 40-40 है टेम्परेचर, पार्सल कभी 40 है सराउंडिंग कभी 40 है, तो ड्यू टू वन रीजन और अनदर रीजन तुम इसको लिफ्ट कर रहे हो, यू आर लिफ्टिंग इट। नाउ आफ्टर लिफ्टिंग देयर विल बी टेम्परेचर वेरिएशन। मान लो ये इसका टेम्परेचर 35 हो गया, इसका टेम्परेचर 32 हो गया, फ्रॉम हियर इट विल ऑटोमेटिकली राइज, फ्रॉम हियर इट विल ऑटोमेटिकली राइज क्योंकि पार्सल वार्मर हो गया, सो फ्रॉम हियर इट विल ऑटोमेटिकली राइज एंड दिस टाइप ऑफ इंस्टेबिलिटी इज कॉल्ड कंडीशनल इंस्टेबिलिटी। एंड लास्ट वन और एक तुम याद रखना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, दिस इज कंडीशनल इंस्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी। लास्ट वन इज मैकेनिकल, मैकेनिकल अनस्टेबिलिटी या इंस्टेबिलिटी। मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी में क्या होता है कि नॉर्मल लैप्स रेट बहुत ज्यादा होता है, 15 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर होगा, बहुत ज्यादा होता है वेरिएशन। नाउ यू सी क्या होगा, नॉर्मल लैप्स रेट मान लो 15 है, मीन्स सराउंडिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा, ये सीधा 25 पहुंच जाएगा और ये फॉर एग्जाम्पल 35 रहेगा। नाउ यू सी हाउ मच डिफरेंस इज देयर, मीन्स ये बहुत राइज हो जाएगा, बहुत राइज हो जाएगा बिकॉज टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया। इन सच अ सिचुएशन इट इज कॉल्ड मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी।